लखनऊ उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव के दौरान प्रत्याशी दिन रात एक करे हुए हैं, अपने चुनाव प्रचार का प्रसार करने में जुटे हुए हैं। वहीं पूर्व में विधायक रहे वर्तमान समय में प्रत्याशी सुरेश चंद्र तिवारी, जो कि लखनऊ कैंट से वर्तमान समय में प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारा है, जिनका जनसंपर्क लगातार जोरों पर चल रहा है और भाजपा की अच्छी नीति और कार्य के चलते उपचुनाव प्रत्याशी के एक साफ सुथरी छवि के कारण लोग उनकी सराहना करते नहीं थक रहे। पीलीभीत में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पीलीभीत के डिग्री कॉलेज चौराहे पर करवा चौथ त्यौहार के अवसर पर परिवहन विभाग व पुलिस विभाग ने मिलकर मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट गिफ्ट किए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मोटरसाइकिल चालक की पत्नी के द्वारा पति को हेलमेट पहनाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा मोटरसाइकिल चालकों को घर से निकलते समय मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाकर चलने के लिए वचनबद्ध किया गया तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु कहा गया। वहीं बड़े वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर भी लगाए गए और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है ये उनकी सुरक्षा के लिए है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी को परेशान करें या चालान करें या कोई ऐसी कार्रवाई करें। हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी सुरक्षा के लिए है और आपका सहयोग इसमें वांछित है। हर तरह से इस अभियान को आगे चलाया जाएगा, कुछ आगे भी चलेगा, ये अभियान लगातार चलता रहेगा। सड़क सुरक्षा तक इस सप्ताह तक ही सीमित नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि इसके बाद भी चलती रहेगी। इसके पहले चरण में हमारा ये प्रयास होगा कि हम लोगों को जागरूक बनाएं, लोग ये जानें कि ये नियम उनके लिए हैं, क्यों हैं, इन नियमों में अगर कुछ बदलाव है तो वो क्या है, किसके लिए है, उनको कौन कौन से कागज अपने पास रखने हैं, या जो नई प्रक्रिया कुछ चली है डिजिटलाइजेशन की, उसके बारे में भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर कागज नहीं है लेकिन डिजिटल पेपर्स आपके पास हैं और डिजिटल लॉकर में हैं तो उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हम अपने पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी इसके लिए जागरूक बना रहे हैं। इसके दूसरे चरण में फिर हम चेकिंग अभियान तेज शुरू करेंगे। पहले जनता को जागरूक करेंगे, उसके बाद उनकी चेकिंग अभियान तेज करेंगे। संदेश हमारा ये है कि सुरक्षा आपकी, आपके हाथ में है, इसमें हमारा सहयोग कीजिए। लगातार प्रशासन के तरफ से जागरूकता अभियान चला जा रहा है, उसके बावजूद तमाम तरह के वीडियो वायरल हो जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि इस तरह के वीडियो या इस तरह की घटनाएं अगर शून्य ना हो सके तो कम से कम न्यूनतम हो जाएं। हमारा निरंतर यही प्रयास रहेगा। आज का दिन हमने विशेष रूप से इसलिए चुना कि हिंदुओं का एक विशेष पर्व करवा चौथ है आज, जिसमें कि ज़्यादातर पत्नी अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, तो बहुत सारी पत्नियों से हमने उनके पति को हेलमेट पहनवाया आज, इस संदेश के साथ कि इस करवा चौथ के व्रत के साथ आज ये भी व्रत उठाइए कि जब भी निकलेंगे हेलमेट पहन के निकलेंगे और पत्नियां। जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर के नए भवन का शुभारंभ हो गया है। जैतपुर ब्लॉक से लगे क्षेत्र गांव की जनता के लिए खुशहाली की खबर आई है, जिसमें अब जनता को इलाज के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां कुछ व्यवस्थाओं की अभी भी कमी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।